एमपी में भारी बारिश को लेकर फिर बड़ा अलर्ट, और ये बड़ा अलर्ट इसलिए क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में जो जिले हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा यहां को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से मैं आपको बताऊंगा कौन सा संभाग है जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, बीच में राहत मिली लेकिन एक बार फिर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बार रेड अलर्ट जो है वो जबलपुर संभाग के तमाम जिलों के लिए दिया गया है। जबलपुर संभाग के जो जिले हैं मैं आपको बता दूं, उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी जगह हैं। रेड अलर्ट का मतलब आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा बारिश यानी अत्यधिक बारिश। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल जिलों को लेकर ये रेड अलर्ट है। और अगर आप बात करेंगे ऑरेंज अलर्ट की तो रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ समेत कई जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। माफ कीजिएगा, ऑरेंज अलर्ट। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये किस वजह से है और किन किन जिलों पर ज्यादा असर रहेगा। भारी वर्षा, कहीं कहीं अति भारी वर्षा, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी चंबल संभाग भिंड में सबसे ज्यादा 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जैसे जैसे यह सिस्टम पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ेगा और पूर्वी मध्य प्रदेश को और प्रभावित करेगा, और अगले आगामी 24 घंटों के दौरान जबलपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में रेड अलर्ट इशू किया गया है, जहां पे बारिश आपका 12 सेंटीमीटर से लेकर 23 से 24 सेंटीमीटर तक की वर्षा यह दर्ज हो सकती है। और साथ में सागर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में भी भारी वर्षा और कहीं कहीं अति भारी वर्षा, माने 8 से 10 सेंटीमीटर वर्षा या कहीं कहीं पे 16 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर वर्षा भी दर्ज हो सकती है। वहीं पर पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभागों में अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा, जबकि कहीं कहीं पे अति भारी वर्षा, जिसमें नर्मदापुरम, बैतूल, रायसेन, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, भिंड, दतिया और शिवपुर कला, ये जिले रहेंगे जहां पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। वहीं पे 48 घंटे की बात करें तो ये वर्षा की गतिविधियां उसके बाद थोड़ी धीमी हो जाएगी और ये उत्तरी मध्य प्रदेश माने ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग का 48 घंटों के बाद सीमित रहेंगे, जबकि प्रदेश। आपने सुना मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक जो उन्होंने बताया किस वजह से ये स्थिति बन रही है, मध्य प्रदेश के किन हिस्सों में ज्यादा असर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर ये स्थिति मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश से जो सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है वो महाकौशल क्षेत्र में देखा जा रहा है, ग्वालियर चंबल संभाग में, सागर संभाग में देखा जा रहा है। यही वजह है कि रेड अलर्ट जो दिया गया है आने वाले वक्त के लिए वो खासतौर से जबलपुर संभाग के जिलों के लिए दिया जाएगा। पहले भी मध्य प्रदेश में, चाहे वो डिंडोरी हो, मंडला हो, यहाँ सिवनी हो, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश यहाँ देखी जा रही है। और औसत बारिश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में औसत से कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, जिसका असर इन तमाम इलाकों पर देखने को मिल रहा है। भोपाल से आप तक खबर पहुंचाई इजारसन खान ने, आप देख रहे हैं।